नमस्कार, बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। दिवाली का त्योहार 5 दिन मनाए जाने वाला त्योहार है। इस त्योहार से कई परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक परंपरा है घरौंदा बनाने की। आपको याद होगा कि बचपन में हम दिवाली से कुछ दिन पहले एक छोटा सा घर बनाया करते थे, फिर दिवाली पर उसमें दीपक जला कर रखा करते थे। दिवाली पर घरौंदा बनाने को शुभ माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली पर घरौंदा क्यों बनाया जाता है? तो आइए आज हम आपको इसकी मान्यता बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद कार्तिक माह की अमावस्या के दिन अयोध्या लौटे थे। तब उनके आगमन की खुशी में नगरवासियों ने घरों में घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। अयोध्या वासियों का मानना था कि श्री राम के आगमन से ही उनकी नगरी फिर बसी है। इसी को देखते हुए लोगों में घरौंदा बनाकर उसे सजाने का प्रचलन हुआ। इसे प्रतीकात्मक तौर पर नए नगर के बसने के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि घर के सारी नकारात्मक विचारों को दूर करके फिर से घरौंदा बसता है। घरौंदे को सजाने के लिए डेली रूटीन में काम आने वाले सामान से सजाया जाता है। इसके अलावा अविवाहित लड़कियां झल्लरे और मिठाई से घर को भरती हैं। ऐसी मान्यता है कि भविष्य में वे जब कभी भी वे दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगी तो उनका संसार भी सुख समृद्धि से भरा रहेगा। मेट्रो सिटी में ये परंपरा कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। आप चाहें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर से घर के कोने में प्रतीकात्मक रूप से छोटा सा मंदिर बना सकते हैं। इसके अलावा आप घर की छत पर भी छोटा सा घरौंदा बना सकते हैं। इस घरौंदे को बनाने के बाद आप इसके अंदर लाल रंग या हल्दी के स्वास्तिक का ओम बनाना ना भूलें। दिवाली के दिन घरौंदे में दीपक जलाकर रखने की परंपरा होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।